श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधा मोहन सरकार के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री सीताराम जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्री रामायण मैया के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री रामायण मैया, श्री भगवत मैया, श्री गीता मैया, संपूर्ण वेद पुराण महापुराणों के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री महाकालेश्वर महाराज जी, श्री माँ पार्वती जी, श्री शारदे मैया, श्री रिद्धि सिद्धि गणेश जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्री बेरी वाले बाबा के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री लाल बाबा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्री गौ माता के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री गंगा मैया, श्री छिपरा मैया, श्री सरस्वती मैया, श्री नर्मदा मैया, श्री अहिल्या मैया के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सभी को बारंबार प्रणाम। श्री भगवान की कथा शुरू करने से पहले आइए हम सभी लोग श्री भगवान की माया स्तुति का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेव। Thank you.
बोले हनुमंत लाल महाराज की, श्री महाकालेश्वर महाराज की, श्री बेरी वाले बाबा की। अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक परात्पर ब्रह्म परमात्मा श्री सीताराम जी, गुरुवर श्री हनुमंत लाल जी और श्री बेरी वाले बाबा के परम पावन सानिध्य में हम श्री भगवान की परम पावन भक्ति करने के लिए एकत्रित हुए हैं। कल के प्रसंग में हमने देखा कि श्री महाराज जनक जी के यहाँ श्री राम जी, लक्ष्मण लाल जी, गुरु विश्वामित्र जी तीनों लोग आते हैं। जनक जी ने सुंदर भवन में निवास दिया है। श्री सीता जी जिस महल में रहती है उस महल में रहने का स्थान दिया है। भक्ति के भवन में श्री जनक जी ने बैठाया है श्री राम जी को। मिथिला में जब जानकी जी का प्रागट्य नहीं हुआ था तो उससे पहले क्या हुआ था, अकाल पड़ा हुआ था मिथिला में, बारिश नहीं हुई थी। तो महाराज जनक जी तुरंत जाते हैं श्री शतानंद महाराज जी अपने गुरु जी के पास में और कहा कि गुरु जी कोई ना कोई समस्या का आप हल बताओ, क्योंकि बारिश हो नहीं रही, अकाल पड़ गया है, तो आप हल बताइए। तो गुरु जी ने कहा कि हल के लिए आपको हल चलाना पड़ेगा, समस्या का हल तभी मिलेगा जब आप हल चलाओगे, और हल अकेले नहीं चलाना है, अपनी पत्नी धर्मपत्नी के साथ में आपको हल चलाना पड़ेगा। खेत में जाकर के आप माता सुनैना के साथ में जाइए, हल को चलाइए, फिर उससे हल हो जाएगा। तो श्री महाराज जनक जी ने अपनी पत्नी सुनैना माता को साथ में लिया और दोनों लोगों ने मिल करके मिथिला की भूमि में हल चलाया और हल टकराया किससे, घट से, संदूक से, और उस संदूक को जब खोला तो श्री जानकी जी का प्रागट्य हुआ है, भक्ति का प्रागट्य हुआ, और जैसे भक्ति का आगमन हुआ आनंद की बारिश होने लगी है। ठीक उसी प्रकार हम सभी के लिए शास्त्रों में संतों ने बताया है कि सूक्ष्म दृष्टि को साथ में लेकर के सुनीति की भूमि पर, सुमति की भूमि पर, सूक्ष्म दृष्टि को साथ में लेकर के सुमति की भूमि पर जब हम अपने विचारों का हल चलाएंगे तो विचार टकराएंगे किससे, घट से, हृदय से, और तब हृदय से भक्ति का प्रागट्य होगा, और जब भक्ति प्रकट होगी तो शिव भगवान को खुद ही आना पड़ेगा, बुलाना नहीं पड़ता है। तो उसी प्रकार श्री जनक जी ने हल चलाया, हल से भक्ति मिली और भक्ति से श्री राम जी मिल गए, सुंदर भवन में ठहराया है। शाम का समय हुआ तो गुरु जी और श्री राम जी कुछ बात कर रहे थे, लक्ष्मण लाल जी बीच में ही मुस्कुराए जा रहे हैं। अब बड़ों के सामने बोल नहीं सकते परंतु बार बार मुस्कुरा रहे, तो श्री राम जी ने ध्यान से देखा कि तो बार बार मुस्कुरा रहा है, फिर बात करने लग जाते हैं फिर मुस्कुरा रहे हैं। तो श्री राम जी ने मुड़ करके देखा लक्ष्मण लाल जी को, तो उनकी जो मुस्कान थी उसमें रहस्य छुपा था। श्री लक्ष्मण लाल जी इसलिए मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि वो गुरु है और गुरु को चिंता हुई किसकी, मिथिला के लोगों की, कि मिथिला के लोग कैसे हैं। बोले सारे योगी ज्ञानी अनुरागी है मिथिला के लोग, कोई भी यहाँ पर खराब है ये नहीं है। श्री रामचरित मानस में वैसे तो बहुत सारे नगर है लेकिन फिर भी विशेष रूप से तीन नगर का वर्णन है। पहला नगर श्री अवध धाम है। तो अयोध्या में कैसे लोग हैं, बोले अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं,
सारे अच्छे हैं, लेकिन एक तो मंथरा खराब है और दूसरा श्री जानकी जी को जिस व्यक्ति ने वनवास दिलवाया डबल से, वो व्यक्ति खराब है। तो भले कम ज्यादा मात्रा हो सकती है, लेकिन अच्छे बुरे अयोध्या में है। अब चले लंका में, लंका में सारे लोग खराब हैं पर दो अच्छे हैं। दो कौन है? श्री त्रिजटा माँ और श्री विभीषण महाराज जी अच्छे हैं। तो भले कम ज्यादा मात्रा हो सकती है, लेकिन अच्छे बुरे तो है। लेकिन मिथिला में कैसे है? बोले मिथिला में सब योगी योगी अनुरागी प्रेमी, वहाँ कोई खराब शब्द ही नहीं है। सारे प्रेमी है, सारे योगी है, परम पावन लोग है, सब अधिकारी हो गए हैं। तो लक्ष्मण लाल जी ने कहा कि इनका है सबका हृदय निर्मल हो गया, पावन हो गया है, इनके अंदर कोई भी खराबी है ही नहीं। तो इसीलिए ये प्रेमी अनुरागी है तो भी अधिकारी हो गए हैं, श्री राम जी के दर्शन के अधिकारी हो गए हैं। तो मैं गुरु हूँ और गुरु को चिंता हुई कि इनको दर्शन करवाना चाहिए, तो इसीलिए श्री लक्ष्मण लाल जी ने कहा कि अभी घर में ही बैठे रहेंगे भवन में, तो सारे लोग तो आ नहीं सकते भवन में, अब राजा के महल में कोई ऐसे ही थोड़ी जा सकता है। तो सारे लोग इनके दर्शन कैसे करेंगे कि जब ये खुद मिथिला की गली में निकल जाएंगे। तो यही सोच करके श्री राम जी को लक्ष्मण लाल जी बाहर लेना ले जाना चाहते हैं कि खुद बाहर गलियों में निकल जाए ताकि सारे लोग इनका दर्शन कर ले और जीवन का कल्याण प्राप्त कर ले। तो इसीलिए लखन लाल जी के हृदय में बार बार ये भावना प्रकट हो रही है। लखन हृदय लाल सा विशेषी रहे हैं। तो श्री राम जी मन के भाव को जानने वाले राम जी ने तुरंत कहा कि गुरु जी मुझे लग रहा है कि लक्ष्मण मिथिला को देखना चाहता है, तो मैं थोड़ा इसे मिथिला के दर्शन करवा आऊं, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं लेकर के जाऊं। तो गुरु जी को हंसी आ गई कि केवल लक्ष्मण लाल जी का मन ही है कि आपका खुद का भी मन है मिथिला को देखने का, क्योंकि मिथिला श्री सियाजू की नगरी है और यहाँ पर तो श्री राम जी का खुद का ही मन होगा कि हम भी जाएं। तो गुरु जी ने हंसी कर दी, बोले आपका भी मन हो रहा है कि केवल लक्ष्मण का ही मन हो रहा है? तो श्री राम जी ने बात को टाल दिया, बोले नहीं नहीं लक्ष्मण का मन हो रहा है। तो गुरु जी ने दोनों का आशीर्वाद दिया कि जाओ। श्री राम जी से गुरु जी ने कहा कि राघव आप देखने के लिए नहीं बल्कि दिखाने के लिए जा रहे हो, और मैं भी चाहता हूँ कि मिथिला के सारे लोग आपका दर्शन कर ले। तो श्री राम जी लक्ष्मण लाल जी दोनों मिथिला की गलियों में निकलते हैं। अब जैसे मिथिला की गलियों में निकले युगल सरकार, तो सारी मिथिला में धूम मच गई है। सब दौड़ दौड़ करके प्रभु को देखने आ रहे हैं, सारे लोग बावरे हो गए हैं, सारे लोग प्रसन्न होकर के भाग रहे हैं देखने के लिए कि राजकुमार बाहर निकले हैं, राजकुमार बाहर निकले हैं। और कैसे दौड़े? बोले धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। धाये धाम काम सब त्यागी, श्री तुलसीदास महाराज जी ने ये नहीं कहा कि धाये काम धाम, पहले आना क्या था? काम, लेकिन इन्होंने धाम को पहले बताया है। जैसे जब आप लोग घर से चलते हो कि आ जा रहे हैं कथा सुनने के लिए, तो पहले काम को छोड़ते हो कि घर को छोड़ते हो? पहले तो काम को छोड़ना पड़ता है ना। मानो गैया के पास में गए भूसा देने के लिए, तो पहले तो काम को छोड़ा है, उसके बाद में घर को ताला लगा करके आते हो। पर यहाँ मिथिला के लोगों ने उल्टा किया है, घर बाद में छोड़ा, काम घर तो पहले छोड़ दिया, काम को बाद में छोड़ा है।
क्यों? क्योंकि जो माताएं मान लो कोई रोटी बना रही है तो वो हाथ में बेलन लेकर के भाग जाती है, सुध ही नहीं है कि मेरे हाथ में ये बेलन है, काम है, इसको छोड़ करके चली जाऊं। जो गैया को भूसा दे रहा है वो टोकनी लेकर के भाग जाता है, कोई बही खाता लिख रहा है वो खाता की जो डायरी है उसे ही लेकर के भाग जाता है। मतलब जो जिस परिस्थिति में था वही परिस्थिति में वो भाग जाता है। किसी को सुध नहीं है कि ये सामान नीचे रख दे, कि ये हमारा काम छोड़ दे, हाथ में भले गोबर लगा तो गोबर के हाथ से वो भाग गया है। सारे लोगों ने दर्शन किए, सारे प्रसन्न हो गए। अब सभी ने दर्शन किया है तो नीचे पुरुषों की भीड़ हो गई है, तो जो माताएं हैं मिथिला की, जो सखियां हैं वो रह गई, तो उन्होंने मिथिला के जो अटारियां हैं उन पर वो आसपास खड़ी हो गई और श्री राम जी के दर्शन कर रही है। तो सखियां दर्शन ऊपर से कर रही है श्री राम जी के, और राम जी की नज़र तो नीचे है। तो लक्ष्मण लाल जी बात सुन रहे हैं कि ये जितने भी जीवात्मा है इन्होंने तो प्रभु को देख लिया है, लेकिन श्री प्रभु की दृष्टि भी एक बार इन पर पड़ जाए तो कितना कितनी बढ़िया बात हो जाए। एक बार श्री राम जी भी इनको ऊपर देख ले मंदिर में या ठाकुर जी के सामने, जब हम उन्हें बार बार देखे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनकी दृष्टि हम पर पड़ जाए ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उनकी दृष्टि सहजता में पड़ती नहीं है, उनकी दृष्टि तो केवल उनके भक्तों को खोजती रहती है। क्योंकि आप और हम संसार के लोग जाते हैं तो उनके खोपड़ी खाते हैं, इसलिए वो हमें देखते नहीं हैं, और जब भक्त आता है तो भगवान उनको स्पष्ट देखते हैं, तुरंत देखने लग जाते हैं। तो श्री लक्ष्मण लाल जी का कि ये तो सारे निर्मल है, योगी है, तो एक बार श्री राम जी भी इनकी ओर देख ले। तो लक्ष्मण लाल जी का भैया भैया नीचे क्या देखे जा रहे हो, जरा ऊपर भी तो देखिए, कितनी सुंदर सुंदर बात कर रही है माता, इनकी बोली कितनी मीठी है। तो लक्ष्मण श्री राम जी ने कहा कि देखो ऐसा है लक्ष्मण कि ये पराया नगर है और ये पराई नारियां है, हम इधर उधर ताका झाकी नहीं करते, सीधे चलो और सीधे ही घर जाना है। अब लक्ष्मण लाल जी चुप हो गए। तो सखियों ने सोचा कि भीड़ ज्यादा है ना, इनको सुनाई में नहीं आ रहा होगा, तो जरा हम जोर से बोले। तो जोर जोर से बोलने लगी सखियां। तब लक्ष्मण लाल जी ने कहा कि चाह तो रही हो तुम कि मैं हमारी तरफ देख ले, हम भी चाहते कि आपकी तरफ देख ले, लेकिन काव करे ये देखेंगे नहीं। फिर लक्ष्मण लाल जी का भैया एक बार तो ऊपर देखिए तो सही, एक बार देखने में क्या जा रहा है। तो श्री राम जी का मैंने कहा है ना कि पराया नगर है, पराई नारिया है, हमको नहीं देखना इधर उधर, सीधे चलो और सीधे गुरु जी के पास जाना है। तो सखियों ने कहा कि अच्छा तो ये इनको हम पराए लग रहे हैं, तो अब इनके साथ में रिश्ता जोड़ना पड़ेगा, और रिश्ता जब तक न बने तब तक भक्ति का सही आनंद नहीं आता है, और जब तक भक्ति का आनंद नहीं आता है तब तक भगवान की प्राप्ति भगवान देखते नहीं है। तो कोई ना कोई रिश्ता जोड़ ले, रिश्ता में बहुत विशेष मोह होता है। जैसे पड़ोसी में, पड़ोस के साथ में कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन अगर उसके घर कुछ हो भी गया है तो हमें दुख भी होगा, आंसू भी आएंगे, लेकिन बहुत कम समय के लिए आएंगे। लेकिन रिश्तेदार सगे रिश्ते में है, दूर है, उनके घर अगर कुछ हो गया तो एक महीने तक दिमाग लगा रहेगा, ज्यादा दुख होगा। तो क्या, जबकि पास में तो पड़ोसी है, तो दिन रात तो हमारा जो मुलाकात है हमारी पड़ोसी से होती है, फिर उनमें कम और उनमें ज्यादा ऐसा क्यों रहता है? क्योंकि रिश्ता बन जाता है, रिश्ता एक धागा होता है, एक बंधन होता है। तो श्री भगवान के पास भी हम भक्ति ऐसे करें तो ज्यादा आनंद नहीं आएगा, जब रिश्ता जोड़ करके करें तो आनंद बहुत ज्यादा आता है।